वेलकम टू एज एकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लॉक पार्ट 6। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 5 पर अच्छे से बेसिक में पूरी बातें कर ली थी, ठीक है। तो हम लोगों ने जो बातें की थी बेसिक पर, फाइंड एंगल बिटवीन नीडल पर, ओवरलैपिंग में 0 डिग्री पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। 180 डिग्री को भी कवर कर लिया हम लोगों ने, 90 डिग्री को भी कल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं मिरर इमेज कवर करेंगे, ठीक है। तो आज पूरा टॉपिक हमारा जो वीडियो होगा वो किस पर होगा, मिरर इमेज पर होगा। तो बेसिक से चलेंगे, कंसेप्ट पूरा लेते चलेंगे ताकि भविष्य में आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपको भी कोई दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है। चलो तो जो स्टार्ट करेंगे हम, तो आज हमारा जो होगा वो पढ़ेंगे मिरर इमेज। तो आप समझो पहले कि मिरर इमेज कैसे समझते हैं। चलो देखो, तो आपको पता है कि जो मिरर होता है वो हमेशा ऐसे होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो परपेंडिकुलर होता है, कैसा होता है तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप कभी भी मिरर में देखोगे अपने आप को तो आप हमेशा खड़े रहोगे, परपेंडिकुलर फॉर्म में खड़े होंगे आप, तो मिरर भी आपका परपेंडिकुलर होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे खड़े हो, मिरर नीचे भी छा दो, आप ऐसे अपने आप को देखोगे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अगर आप हमेशा परपेंडिकुलर पे ही मिरर को देखोगे, ठीक है, जब वाटर पड़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि पानी जो होता है नीचे होता है, अगर उसमें अपने आपको कोई चीज़ दिखाते हैं तो वहाँ पे कुछ और तरीके से बनेगा, ठीक है। तो कोशिश करना मिरर में समझने के लिए। आप समझो यहाँ पे देखो कि मान लो जैसे कोई मैं अगर एक लाइन खींच दूँ, तो आप बोलोगे सर अगर आपने सेम मिरर के जैसा ही कोई लाइन खींचा तो वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा है तो मिरर में ऐसा ही दिखेगा। लेकिन जैसे कोई मैं नाम ले लूँ, जैसे मैंने कहा पी ले लिया मैंने, तो आप बोलोगे सर जो पी इधर इस साइड आप बनाए हो वो जस्ट इस साइड बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोई लाइन अगर मैं ऐसे खींच दूं तो आप बोलोगे सर अगर ये बाहर की ओर है, मिरर से बाहर की ओर है, तो उधर भी मिरर से क्या होगा, बाहर की ओर होगा, तो जस्ट इसका उल्टा चलता है। तो आप बोलोगे मिरर इमेज में जो लेफ्ट का है वो लेफ्ट का राइट शो होता है और राइट का क्या शो होता है, तो आप बोलोगे लेफ्ट शो होता है। कभी भी नोटिस करना आप, ठीक है भैया, मिरर के सामने आप खड़े हो, मान चलो जो मिरर में दिख रहा है आप ही दिख रहे हो, तो आप अपने हिसाब से लेफ्ट हैंड उठाओगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, वो राइट हैंड हो जाएगा। फिर अगर आप मान लो राइट हैंड उठाते हो तो उसके हिसाब से सामने वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मिरर इमेज जो होता है वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है, ठीक है। बाकी जो घड़ी की दिशा में होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, जैसे मिरर के हिसाब से देखते हैं। चलो जैसे मान लो कि मैंने कहा एक हमारी घड़ी ये है, फिर उसी चीज़ को अगर हम शीशे में दिखाएं या मिरर में दिखाते हैं तो सर्किल ऐसा है तो सेम सर्किल ऐसा ही बनेगा, बात मानते हैं ना, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चलो तो मैंने कहा एक समय लेते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अगर आप इसे मिरर इमेज में दिखाते हैं तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है कि 12 और 6 जो है दम स्ट्रेट पे होते हैं, दम स्ट्रेट पर, तो वो कभी चेंज ही नहीं होंगे, 12 का 12 ही हो जाएगा और 6 का 6 ही हो जाएगा। लेकिन जो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 है ये जस्ट लेफ्ट का राइट हो जाएगा। कैसे, अगर 3 इधर है तो आपको पता है वो मिरर में जैसे दिखाओगे आप इधर आ जाएगा, मतलब 3 यहाँ आ जाएगा। 9 अगर इधर है तो ऐसे दिखाओगे सेम, तो 9 आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर इसी हिसाब से हम बना लेंगे कि 2 यहाँ है तो 2 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11। तो आप बोलोगे सेम यही मिरर इमेज अगर ऐसे मैं ला के रख दूँ सेम यही बन जाएगा, इसको मैं उधर ला के रख दूँ तो भी सेम वही बन जाएगा। तो मिरर इमेज में क्या हो गया ना, लेफ्ट का राइट हो गया। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि भैया ऐसा एक चीज बता दो यहाँ पे, एग्जामिनर आपसे यहाँ ये पूछ ले कि भैया देखो ये तो मिरर इमेज आप जान गए, इसमें सीखा क्या आपने, तो आप बोल सकते हो इसमें हमें ये समझ में आया कि अगर कोई एक बजा है तो मिरर इमेज में दिखाया जब कोई एक बजा था तो मिरर इमेज में दिखाया तो सेम क्या बज गया था, 11, क्या बच चुका था, 11। फिर जब हमने 2 को दिखाया तो जो 2 था वो हमारा क्या बच चुका था, 10, देखो ना सेम 10 बच चुका था, 10। फिर 3 को दिखाएंगे तो ऐसे ही 9 बच जाएगा, 4 को दिखाएंगे तो 8 बच जाएगा, 5 को दिखाएंगे तो 7 बच जाएगा, 6 को दिखाओगे तो बोलो सर 6 को दिखाओगे तो 6 ही बनेगा। भैया 6 को दिखाओगे तो वो 6 ही बनेगा, कुछ और बनने का चांस ही नहीं यहाँ पे। चलो वैसे आप 7 को दिखाओगे तो बोलोगे सर 11 बन गया, 7 11 कैसे बन सकता है आप बताओ, नहीं ना। चलो
तो सात क्या बन जाएगा, पांच। जैसे देखो अगर ये सात था तो यहाँ क्या बन चुका है, पांच। फिर आठ है तो क्या बन चुका है, चार। तो फिर आप बोलोगे आठ को बनाया तो क्या बन गया, चार। फिर नौ को बनाया तो क्या बन गया, तो आप बोलोगे तीन। फिर मैंने कहा दस को बनाया तो क्या बन गया, दो। ग्यारह को बनाया तो मैंने क्या बन गया, एक। अगर 12 को बनाया तो आप बोलोगे 12 ही बनेगा। मतलब आप बोल सकते हो, मैंने बहुत पहले बताया था कि बेस जो होता है, बेस आज जो वॉच की होती है, घड़ी की, वो हमेशा क्या होती है, 12। और 12 को आप 0 बोल सकते हो और 0 को ही आप क्या बोल सकते हो, 12। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना, यही 0 है यही 12 है, तो 12 का हमेशा 12 ही बनेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप समझे क्या, यहाँ से आप ये समझे कि मान लो एग्जामिनर केवल क्या पूछे, केवल एग्जामिनर जो है आपका, चलो देखो समझाता हूँ मैं, एग्जामिनर लिख रहा हूँ। चलो देखो मान लो ये पूछा गया कि भैया ऐसा है, R का केवल आप मिरर इमेज बनाओ। तो अभी जो हम लोग मिरर इमेज पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड टू क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेटेड टू R। घंटे में अगर एग्जामिनर पूछे कि भैया चार बजा है, इसको अगर मैं घड़ी में दिखाऊं या मैं मिरर में दिखाऊं तो कितना बजा होगा, सात बजा है तो मगर इसको दिखाऊं तो कितना बजा होगा, छः बजा होगा तो उसे कितना दिखाऊंगा तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे टोटल आर में आपने ये नोट देखा, यहाँ पर केवल आर की बात कर रहा हूँ, मिनट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप देखोगे तो जैसे ही ओरिजिनल देखोगे, जैसे ही मिरर का देखोगे, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। कहीं भी देख लो, 10 दो 12, 9 3 12, 8 4 12, 5 7 12, 6 6 12, 7 5 12, 11 1 12, 10 2 12, 9 3 12, 8 4 12। तो आप यही चीज़ यहाँ पे भी देखा आपने आराम से, कि नोट ये निकला था कि अगर केवल आर पूछ रहा है, केवल अगर घंटों में पूछ रहा है, अगर घंटे पर आधारित पूछ रहा है, तो आप बोलोगे ओरिजिनल आर प्लस इमेज आर, ये बोल सकते हो आप मिरर आर इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे 12। ये चीज आपको याद रखना है, अभी इसी के मदद से सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे तो अगर मान लो मिरर का निकालना होगा तो आप क्या करोगे, मिरर इमेज अगर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 12 में से ओरिजिनल आर आप घटा दोगे। या आप बोल सकते हो यहाँ पर कि अगर केवल एग्जामिनर मुझसे ये पूछ ले कि आप मिरर का आर बताना है, मिरर में कितने घंटे बजेंगे, तो 12 में से ओरिजिनल आर घटा देंगे, वास्तविक घंटे घटा देंगे। जैसे समझो ना आप इस चीज़ को, एग्जामिनर ने बोला भैया ऐसा है, घड़ी में चार बजे हैं, घड़ी में कितने बजे हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने कहा घड़ी में भैया जो बजे हैं ना वो चार बजे, तो आप बोलो मिरर इमेज में क्या बन जाएगा, दर्पण में क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे अगर मैं यहाँ भी एक घड़ी बना दूँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो क्या बनेगा, तो आप बोलो सेम 12 है तो 12 पे ही रहेगा। लेकिन जो चीज़ 4 पे जा चुकी है वो चीज़ कहाँ पे चली आएगी, 8 पर, तो ऐसे ही तो बनेगा ना मिरर इमेज, तो 4 का क्या बन जाएगा, 8। तो आप चाहते तो बिना कुछ किए आप बता सकते थे, एग्जामिनर ने पूछा था कि अगर 4 बजे हैं तो उसका मिरर इमेज क्या होगा या मिरर आर क्या होगा, तो आप 12 में से 4 घटाते, ऑटोमेटिक आंसर कितना आता, 8। या आप 12 में से 4 घटाते तो भी आंसर आता 8। तो 8 तो बज ही रहा है ना, अगर केवल घंटे पर पूछे मिरर इमेज क्या बनेगा, तो आप 12 से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे एक तो क्वेश्चन देखते हैं, चलो एग्जामिनर बोला भैया कि 9 का आप मिरर इमेज बताओ, फिर एक जगह बोला कि 11 का आप मिरर इमेज बताओ, चलो 2 का पूछ रहा है, 2 का केवल, ठीक है, 9 घंटे का और 11 बजे का। तो 9 को बोलोगे क्या कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर देखो 12 में से 9 घटा दो, ऑटोमेटिक 3 आएगा, 3 ही आपका क्या है, मिरर इमेज। 11 है तो 12 में से 11 घटा दो, बचेगा 1, और 1 ही क्या है आपका, मिरर इमेज। ये बात समझ में आ गई। चलो एक और देखते हैं, अगर एग्जामिनर केवल 12 बजे का पूछ ले कि 12 बजे का मिरर इमेज क्या होगा, तो आप कहेंगे 12 को 12 से ही घटा दूं अगर मैं, देखो तो बजेगा 0। और मैंने कहा 0 हमेशा बेस होता है, और बेस को ही हम लोग 12 कहते हैं, बेस को हम लोग क्या कहते हैं, 12। चाहे 0 आए या 12 आए, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि 6 बजे का आप बता दो, 6 बजे का आप मिरर इमेज बता दो, तो आप बोलोगे 12 में से 6 घटा दोगे तो 6 बजे का, और 6 ही क्या हो जाएगा हमारा, मिरर इमेज।
तो यही चीज़ मैंने सबसे पहले आपको बताया था यहाँ पर, देखो ना कि छः को आप कितना भी चेंज करने की कोशिश करो, छः का हमेशा क्या होता है, तो छः का हमेशा छः ही होता है, और बारह का भी हमेशा क्या होता है, बारह। बाकी सब आपस में चेंज करोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो तो ये आपने अभी जो पढ़ा था वो टोटल आर पे पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि भैया आर भी आ जाए लेकिन प्लस मिनट भी आ जाए। जैसे 7:20 का अगर एग्जामिनर कह दे निकालो, 7:20 को कह दे निकालने का कि 7:20 का आपको निकालना है मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज निकालना है वॉच का। तो आप बोलोगे कि आपने तो ये बोला कि अगर टोटल आर का पूछा है तो 12 से लेस कर दो, अब आप मिनट में भी पूछ रहे हो, तो एक बात बताओ मेरे को यहाँ पे समझने के लिए केवल, क्या जो 12 आर लिखा था इसको मैं 11 घंटे और 60 मिनट लिख दूँ तो तुम्हें कोई कष्ट है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 60 मिनट को ही तो एक घंटे बोलते हैं, 60 मिनट को ही तो एक घंटे बोलते हैं, और जैसे ही 60 मिनट के दर पे एक घंटे लिखेंगे तो 11 और एक 12, 12 घंटे हो जाएगा। तो 12 घंटे को अगर हम चाहें तो 11:60 लिख सकते हैं, या 11:60 लिख सकते हैं। तो आपको भी बस यही याद रखना है कि जब आर प्लस मिनट पूछे तो आपको नियम लगाना है 11 और 60 का, ओरिजिनल फॉर्मेशन आपका यही होगा, ठीक है। चलो इस पर क्वेश्चन लगवा देता हूं मैं समझने के लिए। 7:20 पर पूछा है कि 7:20 का मिरर इमेज क्या होगा, तो 11:60 से घटा दो आप बोलोगे 40 और यहां आ जाएगा तुम्हारा 4, तो 4:00 क्या हो जाएगा ना, 40 मिनट, 4:40 ही आपका क्या हो जाएगा ना, मिरर इमेज क्या हो जाएगा, मिरर। चलो कैसे समझो, यहाँ पे देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसको तुम मिरर इमेज में देखने की कोशिश करो एक बार। चलो फिर हमने एक यहाँ घड़ी लिया, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। एग्जामिनर कह रहा बना के दिखा दो, तो दिखा देते हैं ना। पहले तो ओरिजिनल आर जो था हमारा वो 7:20 था, तो 7:20 बनाने के लिए तो आप बोलोगे पहले मिनट वाली सुई 4 पे होगी, 7:20 बोले थोड़ा सा इधर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आपको जो चीज़ 4 पर परफेक्ट है, मिनट वाली 4 पर परफेक्ट है, तो 8 आने में कोई दिक्कत तो है नहीं उसको, भैया 4 पर रखी चीज़ डायरेक्ट 8 पर चली आएगी। लेकिन बताओ 6 से कितने मिनट ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 6 से 5 मिनट, तो इधर भी 6 से 5 मिनट ज़्यादा कर दो। फिर 7 से थोड़ा आगे है तो 5 से थोड़ा सा आगे कर दो, ये देखो यहाँ पे कर दोगे, तो 4:40 हमारा आंसर आया ना, 4:40 देखो कितना आराम से आ गया। नहीं समझ में आ, देखो ना 6 से इधर कितना ज़्यादा है भैया, ये तो बेस है ना, ये तो कभी नहीं बदलता, तो इसी के मदद से सॉल्व कर लेंगे। 6 से 5 मिनट ज़्यादा है प्लस और ज़्यादा है, तो इधर भी 6 से 5 मिनट थोड़ा और ज़्यादा होगा, तो 4:40 आपका आंसर आ जाएगा। चलो और देखते हैं, जैसे एग्जाम्पलर बोल दे कि आप 11:20 या मान लो 25 मिनट का बताइए मिरर इमेज, ठीक है, और एक बार पूछ रहा है 12:17 का आपसे पूछ रहा है मिरर इमेज बताइए, तो आप बोलो आराम से बता देंगे, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, देखो बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो जैसे आप इसे देखो सॉल्व करने के लिए, तो आप बोलोगे 11 और 60 का ही तो नियम लगाना है हमें केवल, उसमें से आपको क्या लेस करना है, तो आप बोलोगे 11:25 सॉल्व करोगे, यहां तो आ जाएगा आपका 35 मिनट, इधर आ जाएगा 0, तो 0 क्या होता है, तो मैंने बोला था नोट बना के लिख लेना, जब कभी भी 0 आए तो आप उसको 12 मानकर चलेंगे, तो जो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा वो 12:00 क्या आ जाएगा, 35 मिनट, कितना आ जाएगा 35 मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उधर वाले में देखते हैं, चलो इसको भी देखोगे तो 11 और 60 से आपको लेस करना है, 11:60 से आपको लेस करना है 12 और 17, तो आप बोलोगे सर ये तो असंभव है, लेस होगा ही नहीं, तो हमने बोला जब आप 0 को 12 मान सकते हो तो क्या 12 को 0 नहीं मान सकते क्या, मान सकते हो ना, आराम से मान सकते हो। चलो तो आप बोलोगे अगर इसको मैंने इस वक्त इसको 0 मान लिया, इसको मैंने 0 माना, तो बोलोगे 11:00 कितना आ जाएगा 43 मिनट। आप आराम से देख सकते हैं 11:60 को 12:17 को 11:43 बोल सकते हैं, कैसे आप देखो यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
दस ग्यारह। अब इसी चीज का अगर हम मिरर इमेज बनाएं, मिरर इमेज अगर बनाते हैं हम, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ठीक है। तो 12, 17 बनाना था, तो आप बोलो 17 मतलब 20 से कम थोड़ा सा यहाँ पे आएगा मिनट वाली, और घंटे वाली सुई थोड़ी सी यहाँ पे आएगी 12, 17। जस्ट इसको अगर हमको किसमें बनाना हो, तो आपने बोला कि मिरर इमेज बनाना है, तो आप मेरे को बताओ अगर इधर 3-4 के बीच में है, देखो 6 से 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा आगे है, तो इधर भी 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा आगे है, मतलब कह सकते हो कि आप अप्रॉक्स यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आए। अब मिनट वाली सुई, अब घंटे वाली सुई को देख लो आप थोड़ा सा फोकस करके 12 से, तो 12 से थोड़ा इधर है, तो हमारा भी 12 से थोड़ा सा इधर हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो आप आराम से बोल सकते हो ना 11:40 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 43 के पास आएगा, तो 11:43 आ रहा है ना। सेम यही चीज़ आप भी अपने आप में इस चीज़ को करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आपने यहाँ से नोट समझा, यहाँ पर एक चीज़, अगर केवल घंटे पूछा हो या केवल आर पूछा हो, ठीक है, चलो केवल घंटे पूछा है, तब तो आप 12 से घटाकर, 12 से घटाकर मिरर इमेज निकाल लेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आर के साथ साथ मिनट भी पूछा हो, तब आपने क्या नियम देखा कि 11 और 60 से घटाकर, मतलब सब्ट्रैक्ट कर क्या निकालेंगे, मिरर इमेज। लेकिन एक नोट भी सीखा है यहाँ पर, जरूरत पड़ेगा तो 12 के स्थान पर 0 ले लेंगे और 0 के स्थान पे क्या ले लेंगे, 12, जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। चलो, तो क्योंकि दोनों ही केस में 12 ही होता, तो आपको ये नोट समझ में आऊंगा। चलो एक लास्ट और देखते हैं, लास्ट टॉपिक मिरर इमेज का ये रहेगा कि जब हमको आर के साथ साथ मिनट भी हो और आपसे क्या पूछ ले, सेकेंड भी पूछ ले, क्या नहीं पूछ सकता है क्या, 8:15 और 25 सेकेंड का आपको घड़ी में बताना है मिरर इमेज क्या होगा। आप मेरे को फिर से यहाँ पे एक चीज़ बताना, क्या हमने 12 घंटे को कैसे तोड़ा था, तो आप बोलो पहला स्टेप ये था कि हम चाहते तो 11:60 लिख सकते थे, ठीक है। तीसरा स्टेप आप मेरे को ये बताओ, क्या मैं 11 घंटे को ऐसे ही रहन दूँ, मैं 59 मिनट और 60 सेकेंड रख लूँ, इसको जोड़ने पर भी 12 घंटा आएगा, इसको भी जोड़ने पर 12 घंटा आएगा, कैसे आपको नहीं पता क्या कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड है, 1 मिनट हो के जाएगा इधर, तो 60 मिनट हो जाएगा। फिर आपको पता है कि 60 मिनट को हम लोग बोलते हैं 1 आवर, यानी कि 1 घंटा, और जैसे 1 घंटा इसमें इंक्लूड करो कि 12 फिर आ जाएगा। तो आपको यहां से 3 बातें समझ में आ गई यहां से, कि जब केवल घंटे पूछे तो 12 से लेस करना है, जब आर प्लस मिनट पूछे तो 11:60 से लेस करना है, और जब आर प्लस मिनट प्लस सेकेंड पूछे तो 11:59 और 60 से लेस करना है, यही चीज तो करना है ना। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं, 11:59 और 60 इसको आप 8:15 और 25 से लेस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा क्या, देखो यहां से करोगे तो आपका आएगा 35, और यहाँ से कर दोगे तो आपका आ जाएगा 44, और यहाँ से लेस करोगे तो ये आ जाएगा। अब लोग 3:44 और 35 सेकेंड आपका मिरर इमेज में बनेगा, ठीक है। चलो तो ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं, 3-4 देखो, लास्ट देखते हैं। जैसे एग्जामिनर बोला 11:45 और 45 सेकेंड का आप बताओ, तो आप बोलो बता देंगे, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। फिर एक बार यहाँ ये देखेंगे, 12:17 और 27 सेकेंड का बताना है, तो आपने बोला तो 11 नियम था, 59 नियम था और 60 था, तो आपने 11 रखा, 45 रखा, और आपने क्या रखा, फिर आपने 45 रखा, फिर आपने सॉल्व किया, तो जो आंसर आया यहाँ से यहाँ तो 15 सेकेंड आ गया, यहाँ से तो 14 आ गया, यहाँ से तो 0 आ गया, और मैंने कहा 0 जब भी आया तो आप इसको 12 मान लेना, तो 12:14 और 15 सेकेंड ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब ये चीज़ यहाँ देखना, तो 11 को 59 और 60 से लेस करेंगे हम किसको, 12 को, 17 को और 27 को। कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा, बहुत आसान है, 12 है 11 से घटेगा नहीं, तो आप यहाँ क्या मान लेंगे, 0, तो ये 11 ही आ जाएगा, इसको लेस करोगे तो 42 आ जाएगा, फिर यहाँ से लेस करोगे तो 33 आ जाएगा। आप बोलो 11:42 और 33 सेकेंड, ठीक है। तो आप किसी भी समय का आराम से निकाल सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कोई एग्जाम में पूछ ले 8
जीरो आठ और जीरो आठ, इसका मतलब ये हुआ कि 11, 59 और 60 से घटाना है आपको, मतलब 8:08 का पूछा है। लेस करोगे 52, लेस करोगे 51, यहाँ से लेस करोगे 3, तो घबराना ही नहीं है, ठीक है। तो हमने आज क्या कवर किया है, तो आप बोलोगे हम लोगों ने आज सारा टॉपिक अच्छे से कवर किया और इसमें क्या क्या सीखा हम लोगों ने, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मिरर इमेज, मिरर इमेज जो टॉपिक था वो बहुत आराम से हम लोगों ने कवर किए हैं, ठीक है। चलो, तो मिरर इमेज का पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया है आपको समझाने के लिए, और आपको मैंने बता भी दिया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, कंटेंट बहुत प्यारा मिल रहा है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, इस गर्मी में जो पढ़ाई की जा रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो आप अगर साथ में होते तो आपको समझ में आता कितनी मेहनत और कितनी कठिनाई सबको पढ़ाई जा रही है ना। तो सहयोग करने में कोई कष्ट नहीं, अगर ज्ञान ले रहे हैं तो केवल सहयोग करिए, ऐसा नहीं कि आप ज्ञान ले रहे हो छिपा भी रहे हैं कि नहीं हम नहीं ले रहे, तो ऐसा गलत बात है ना। तो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे चल के आपके लिए और सहयोग करेंगे, अच्छे से कंटेंट देंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, धन्यवाद।